पूरे बिहार में ये डीजल पेट्रोल गैस और किसान की कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ में पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस पर के अवसर पर आज हम लोग 5 किलोमीटर साइकिल चला के उसका विरोध कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ, ये निकम्मी सरकार, ये ताड़ी पार जो गृह मंत्री है, इसके खिलाफ में नैतिकता के आधार पर ये इस्तीफा करे। इस नेपाल से हमारे हजारों हजार वर्ष से रिश्ता था, ये दोनों आने से हमारा नेपाल का भी रिश्ता खत्म हो गया। देश में कोई शासन नाम की चीज नहीं है, देश में आतंकवाद की तरह शासन तुगलक शासन चला रहे हैं। इसके खिलाफ में हमारे राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी प्रसाद, प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में आज पूरे बिहार में आज साइकिल मार्च हो रहा है। क्या कहना है सर? हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर पूरे बिहार में पंचायत से लेकर के जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय और राज्य के मुख्यालय में यह कार्यक्रम जो है पार्टी का स्थापना दिवस पर चलाया जा रहा है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि कमरपुर महंगाई को वापस ले सरकार, डीजल पेट्रोल की महंगाई को जो अप्रत्याशित मूल्य में वृद्धि किया है उसको वापस ले। और हम ये कहना चाहते हैं, हम लोग दुनिया चांद सूरज पर चला गया, हवाई जहाज से चलता है, कार से सफर करता है, भारत वर्ष में कमर तोड़ महंगाई के चलते हम तमाम आदमी जो विकास किए थे उस पर से उतर करके साइकिल पर आ गए, रोड पर आ गए, यही हम लोग का कहना है। और बिहार की जो सरकार है ये बिल्कुल सब विषय पर, सब मुद्दे पर ये बिहार की सरकार फेल है, अपराध चरम सीमा पर है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बहु बेटियों के साथ आत्महत्या, ये बलात्कार और रेप किया जा रहा है, अपराधिक घटना बिल्कुल चरम सीमा पर है। बिहार सरकार अपराध के मामले में एकदम फेल हो गया है। हम लोग बिहार सरकार से इस्तीफे की मांग करते हैं, नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा यह कार्यक्रम जो है चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा और यह जारी रहेगा।